कश्मीर में हुए आतंकी हमले में मारे गए फहीम नासिर का शव कटहरा थाना क्षेत्र के अवाकरपुर स्थित पैतृक घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं फहीम का शव पहुंचते ही गांव के लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। बताया जा रहा है कि फहीम नासिर के पत्नी अपने बच्चों के साथ रांची में रहती थी और वहीं अपने बच्चों को परवरिश करती थी। फहीम नासिर कश्मीर से कमाकर अपने पत्नी और बच्चों को रांची में रखकर उसका पढ़ाई लिखाई कराता था, लेकिन आतंकियों ने उसे मार डाला। फहीम नासिर का सपना था कि बेटी को आईएस बनाए, जिसके बाद अब उनका शव जैसे ही घर पहुंचा है, घर में कोहराम मचा हुआ है और भारी संख्या में लोगों की भीड़ उनके घर पहुंच चुकी है। वहीं फहीम नासिर की बेटी रो रो कर बुरा हाल है। वह बार बार यही कह रही है कि हमारे पिता का सपना था कि मुझे आईएस बनाए और हम भी पढ़ाई लिखाई जोर शोर से कर रहे थे, लेकिन अब यह सपना को पूरा कौन करेगा? सरकार से हमें न्याय चाहिए, हमारे पिता की हत्या हुई है। मेरे पापा का सपना था उनको आईएएस बनाए। हम ये मांगते सरकार से कि मेरी पढ़ाई का खर्चा वो उठाए, मेरे पापा का सपना पूरा करना है हमको। मेरे पापा चाहते थे कि अब आईएएस ऑफिसर बने और ये सब गवर्नमेंट पूरा करेगा। हमको बनना है आईएएस ऑफिसर, हम अपने पापा का सपना पूरा करेंगे। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम पापा से कब बात हुई थी? क्लास 7th में। आपके पिताजी से अंतिम बात कब हुई थी? परसों हुई थी। कब आए थे? स्कूल बैग वाला कह दो। 5 बजे फोन आया था तो भाईजी ने बोला पापा को कि पापा जिक्रा को बैग चाहिए। पापा बोले ठीक है, फिर फोन काट के फिर फोन किए थे तो पापा मेरा बैग खरीद लिए थे। उसके बाद फिर अब आएंगे ही नहीं पापा कभी, तो मेरा बैग भी नहीं आएगा मेरे पास। चाहिए मेरे पापा के साथ जो गलत हुआ उसका हिसाब चाहिए हमको। क्या कसूर? उनका कोई कसूर नहीं था, वो बेकसूर थे। उनको गोली क्यों मारा गया? मुझे हिसाब चाहिए और ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेगी। मेरे पापा को इंसाफ गवर्नमेंट ही लाएगी। हमको इंसाफ चाहिए किसी भी कीमत पे। मेरे पापा के खिलाफ गलत हुआ है, वो बेकसूर थे, उनको गोली क्यों मारा गया? मुझे मेरे पापा के लिए इंसाफ चाहिए और वो इंसाफ गवर्नमेंट ही लाएगी। बिल्कुल 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 सही सही मुतालबा है, सही गाना।